सॉरी गाइस, मैं अमित प्रैक्टिस ऑफ मार्केट से। पिछला वीडियो इनकम्प्लीट रह गया था कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, तो ये उसी का कंटिन्यूशन वीडियो है जिसको हम यहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। मैं आपको समझा रहा था कि अभी कहां पर ट्रेड हमने नहीं लेना है। तो ये हमने इसमें समझा था कि इस केस में जो ये सेकेंड कैंडल ने हाई बनाया है, हमारी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि वो गैप पिछले दिन के गैप से खुला है। दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई क्योंकि इसने हायर हाई ब्रेक किया है। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि दोनों कैंडल ग्रीन है। बट चौथी कंडीशन, जिसमें कि हम देखते हैं कि ये प्रीवियस डे के क्लोज से 2% की रेंज में है क्या, बट इस केस में ये 2% से ज्यादा इसने हायर हाई बना दिया, तो इस दिन हमने ट्रेड नहीं लेना है, ये हमने सीखा है। सेकेंड, इसी चार्ट में हम देखेंगे 18 तारीख वाले दिन जो फर्स्ट कैंडल बनी है, यहाँ भी ग्रीन कैंडल आप देखेंगे 18 तारीख में पहली जो कैंडल बनी है उसने प्रीवियस डे की रेंज को ब्रेक भी किया है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है जिसमें गैप बन गया है। दूसरी कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है। अगर हम ग्रीन कैंडल देख रहे हैं तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, रेड कैंडल देख रहे हैं तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए, तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। और वैसे भी इसमें पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी कैंडल रेड है, तो हमें इस ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। और देखिए आप, नीचे का लो ब्रेक भी हुआ है बट स्टॉक चला नहीं है। अभी हम देखते हैं कि किस दिन ये कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई होती है। तो 18 जुलाई में HDFC को हम देखेंगे, क्लोज यहाँ पे हुआ था 2285 रुपये पे, पहली कैंडल गैप के साथ खुली सेटिस्फाई, दूसरी कैंडल ने उसका भी हाई ब्रेक किया सेटिस्फाई, दोनों ग्रीन है सेटिस्फाई, चौथी कंडीशन जो दूसरी कैंडल का हाई है 2313 रुपये, वो पिछले क्लोज से 2% से कम है क्या, बिल्कुल कम है, तो हम जैसे ही इस कैंडल का हाई 0.1% बफर के साथ ट्रेड करेगा हम बाय करेंगे। और देखिए जैसे ही यहाँ पे बाय हुआ, आप पूरे दिन पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं और दिन के एंड में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू एग्जाम्पल देखिए, अंबुजा सीमेंट्स 19 जुलाई 2019 में आया, जो पहली कैंडल रेड बनी जिसने प्रीवियस डे को रेंज को क्रॉस भी किया, दूसरी कैंडल भी रेड बनी जिसने लोअर लो बनाया, और ऑफ कोर्स हम जब सेल कर रहे हैं तो ये प्रीवियस डे की 2% की रेंज के नीचे ही है, तो हमने जैसे ही सेकंड कैंडल के लो ने 0.1% बफर के साथ इसको ट्रेड किया, ऑल्दो ट्रेड करने के बाद थोड़ा पोजीशन अगेंस्ट गई बट हमारा स्टॉप लॉस है, डे का हाई वो नहीं कटा और पोजीशन लास्ट में आपको प्रॉफिट देकर गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, अडानी पोर्ट्स 24 जुलाई में, ये पहली कैंडल जो बनी है इसने भी प्रीवियस डे की रेंज को नीचे क्रॉस किया है, दूसरी कैंडल लोअर लो बनी है, दोनों रेड हैं, 2% की रेंज में है, 0.1% बफर के साथ हमने ट्रेड किया, अगेन ये इसने पूरे दिन आपको प्रॉफिट दिया। गाइस ये नोटिस ध्यान में रखना है कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेकेंड कैंडल का हाई इंटैक्ट रहना चाहिए, इस केस में देखिए हाई इंटैक्ट है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम आपके सामने, बजाज फिनसर्व 26 जुलाई, इसमें पहली कैंडल जो बनी है बहुत स्लीक सी कैंडल बनी है बट आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसने प्रीवियस डे की रेंज को भी उसने क्रॉस किया है, सेकंड कैंडल ने हाई क्रॉस किया है, दोनों कैंडल ग्रीन है, दूसरी कैंडल का लो भी इंटैक्ट है, 0.1% बफर के साथ जैसे ही ट्रेड किया देखिएगा इसके कितना प्रॉफिट दिया उसने। अब कोई भी गाइस स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है, आप किसी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं तो एट टाइम्स उसके अंदर कई बार लॉसेस भी आते हैं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी से कन्विंस होकर इसके ऊपर काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी से इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कीजिएगा। एक आध बार बीच में लॉसेज होते हैं तो स्ट्रेटजी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कंसिस्टेंसी। एक लॉस का एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखाता हूँ, वरना आप सब सोचेंगे कि प्रॉफिट के एग्जाम्पल से दिखा दिए बट लॉस का नहीं दिखाया। सो गाइज ये हम देख रहे हैं HDFC 25 जुलाई, पहली कैंडल ने दिन का देखिए हाई ब्रेक किया है, प्रीवियस डे की रेंज को क्रॉस किया है, दूसरी कैंडल हायर हाई बनी है, दोनों कैंडल ग्रीन भी हैं और इसका हाई प्रीवियस डे की 2% की रेंज के अंदर भी है और इस दूसरी कैंडल का लो भी इंटैक्ट है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई है और आपका बाय भी हुआ है बट समहाउ इस स्टॉक चला नहीं है और आपका स्टॉप लॉस ही ट्रिगर हुआ है। तो गाइज आप काम करेंगे तो इसमें आपको प्रॉफिट भी मिलेगा,
कहीं बड़ी लॉसेस भी जाएगा, बट जितना मैंने इस पर बैक टेस्ट किया है गाइस, 60-70% स्टॉक्स चलते हैं, प्रॉफिट आता है, कंसिस्टेंसी ही जरूरी है, और रेगुलर बेसिस पे आप इसको करते रहेंगे तो गाइस लॉस नहीं जाएगा। सो गाइस ये मेरी स्ट्रेटजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में शेयर जरूर करें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही कोई मैं नई स्ट्रेटजीज इस यूट्यूब पे शेयर करूंगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके सर्कल में आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें। और गाइज अगर करने से पहले एक बार आप इसको खुद समझें, बैक टेस्ट करें, तब इसको अप्लाई करें। ओके गाइज, थैंक यू।